नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश गणतंत्र के स्पेशल 26 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। इस बार का गणतंत्र दिवस परेड कुछ खास होगा। पहली बार तीनों सेनाओं की साझा महिला दस्ता इस साल की परेड में हिस्सा लेंगी। महिलाओं के सेना में शामिल किए जाने के 30 साल बाद ऐसा हो रहा है। देखिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की परेड में आपको सेना की नारी शक्ति भी कर्तव्य पथ पर दिखेगी। सबके साथ कदम से कदम मिलाती हुई पहली बार तीनों सेनाओं का साझा दस्ता उतर रहा है, महिलाओं का ट्राई सर्विस दस्ता। इस दस्ते में 144 महिलाएं होंगी, थल सेना की 60 और बाकी वायुसेना और नौसेना की होंगी। नौसेना के दस्ते में सिर्फ महिला अग्निवीर होंगी। यह परेड एक प्रतीक है कि किस तरह भारतीय महिलाएं वे तमाम किले तोड़ रही हैं जो पहले सिर्फ पुरुषों के माने जाते थे। नौसेना में पहली बार फास्ट अटैक क्राफ्ट की कमान एक महिला को मिली है। अब महिलाओं के लिए पनडुब्बी के दरवाजे भी खुल गए हैं। वायुसेना में मिसाइल यूनिट की कमान भी महिला संभाल रही है। वहीं थल सेना में 100 से ज्यादा जगहों पर महिलाओं को कमान मिल चुकी है। सेना में महिलाओं की भर्ती 1993 से शुरू हुई है। थल सेना में करीब 1800 महिला अधिकारी हैं तो वायुसेना में 1600, वहीं नौसेना में 600 महिला अधिकारी हैं। पिछले साल से सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू हुई है और उससे भी आर्म फोर्सेज में महिलाओं की तादाद बढ़ने लगी है। वायुसेना में तो महिलाएं रफाल जैसा आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ाती है और हेलीकॉप्टर उड़ाने में भी महिलाएं पीछे नहीं है। थल सेना में महिलाएं चीन से लेकर पाकिस्तान तक सीमा पर तैनात हैं। महिलाओं के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2022 से हर साल 20 सीट रिजर्व रखी गई है। 2025 से एनडीए में उनके पहले बैच निकलने शुरू हो जाएंगे। और तो और, अब महिलाएं जंग के मैदान में तोप चलाकर दुश्मन का माकूल जवाब भी देंगी। दुनिया के सबसे ऊंचे जंग के मैदान सियाचिन में भी कैप्टन फातिमा वसीम को ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली बार तैनाती मिली है। अगर मेडिकल और नर्सिंग कोर को छोड़ दिया जाए तो तीनों सेनाओं में महिलाओं की तादाद करीब 4,448 है। थल सेना में 3.8%, नेवी में 6.5% और वायुसेना में 13% है। वहीं दुनिया भर की सेनाओं में महिलाओं का औसत प्रतिशत 4 से 16% है। ये महिलाएं नए बनते भारत का सबसे मानवीय और भरोसेमंद चेहरा है, बराबरी के मोर्चे पर मौजूद। यहाँ तक पहुँचने से पहले महिलाओं ने कई युद्ध लड़े हैं, घर परिवार समाज के दबावों से, सड़ी गली मान्यताओं से और अपने भीतर के डर से। ये अब भारतीय सेना की बड़ी ताकत है। और गणतंत्र के स्पेशल 26 सीरीज में अब बात करेंगे दो मिसाइलों की जो भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। ये मिसाइल हैं एंटी सैटेलाइट विपिन शक्ति और अग्नि 5। इन मिसाइलों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। हमने आपको लड़ाकू विमान दिखाए, सैन्य टुकड़ियां दिखाई, आज मिसाइलों की बारी है। आज बात दो मिसाइलों की जो इस 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेंगी। शुरुआत ASAT यानी एंटी सैटेलाइट वेपन से। इसे शक्ति का नाम दिया गया है। ये मिनटों में किसी भी उपग्रह को तलाश कर सकता है, उसे तबाह भी कर सकता है। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से किसी उपग्रह से टकराकर उसे खत्म कर सकता है।
27 मार्च 2019 को इसका सफल परीक्षण हुआ। इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारत सुपर फोर में शामिल हो गया, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत। अंतरिक्ष में सैटेलाइट गिराने की क्षमता हासिल हुई। पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर दूर उपग्रह को मार गिराया। इसकी तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, हिट टू किल रणनीति पर काम करता है। 10 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ वार करने में सक्षम है। अब कोई सैटेलाइट हमारी सीमा में ताक झांक नहीं कर सकता है। जंग के हालात में दुश्मन के सैटेलाइट जाम किए जा सकते हैं, विरोधी के सैटेलाइट भी बर्बाद किए जा सकते हैं। डीआरडीओ ने बनाया है यह जबरदस्त हथियार। अग्नि 5 मिसाइल भी किसी से कम नहीं है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी चीन और पाकिस्तान तक यह मार करने में सक्षम है। इसे भी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और बनाया भी है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने में सक्षम है। इसमें 1.5 टन के एटमी हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ऐसी मिसाइल गिनती के देशों के पास ही हैं। भारत के अलावे अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ऐसी रेंज की मिसाइल है। यह भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसका निशाना अचूक और टारगेट की बर्बादी निश्चित है। छब्बीस जनवरी की परेड की चर्चा सिख रेजिमेंट के बिना अधूरी है। एक ऐसा रेजिमेंट जिसके एक सैनिक को 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। हमारी सीरीज गणतंत्र के स्पेशल 26 में अब बात सिख रेजिमेंट की। क्या है सिख रेजिमेंट का इतिहास, जानिए इस खास रिपोर्ट में। एक ऐसा रेजिमेंट जिसके एक सैनिक को 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। 26 जनवरी के परेड की चर्चा सिख रेजिमेंट के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। ऐसे जवान जिनकी रग रग में बहादुरी है, जिसका लोहा अंग्रेज से लेकर पूरी दुनिया मानती रही है। सिख रेजिमेंट का इतिहास भव्य और गौरवशाली है। सिख रेजिमेंट की शुरुआत 1846 में महाराजा रणजीत सिंह के सिपाहियों से हुई। उसके बाद का युद्ध में इस रेजिमेंट ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। 1885 का टोफ्रेक का युद्ध हो या फिर 1897 की सारागढ़ी की जंग, इस रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से आज तक सभी के जुबान पर हैं। सारागढ़ी में तो 21 जाबाज सैनिकों ने 10,000 अफगान सैनिकों का मुकाबला किया था। इसके बाद पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी सिख सैनिकों का जलवा याद किया जाता है। इस रेजिमेंट को 14 विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद भी सिख रेजिमेंट ने तमाम युद्धों में हिस्सा लिया। 2 बार परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। 1962 की जंग में सूबेदार जोगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र मिला। जो बोले सो निहाल, सत श्री आकार का जयकारा सिख रेजिमेंट की पहचान है। इसका रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में है। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसमें केवल जाट सिख समुदाय से ही सैनिक भर्ती हो सकते हैं। हालांकि अफसर हर एक समुदाय और देश भर से आते हैं। यह सेना की धर्मनिरपेक्ष और सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा को भी सिखाता है। करगिल में इस रेजिमेंट को टाइगर हिल बैटल ऑफ ऑनर मिला था। करगिल हिल बैटल ऑफ ऑनर से भी इसे मिला। इस रेजिमेंट को जितने सम्मान मिले हैं उतने किसी और को नहीं मिला है। खेलों में भी इस रेजिमेंट ने देश का गौरव बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय खेलों में इसे 55 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक मिले हैं। मौजूदा समय में इस रेजिमेंट में 21 बटालियने हैं। देश की सुरक्षा में सिख रेजिमेंट का योगदान काफी बड़ा है। इसका मोटो है निश्चय कर अपनी जीत करूं, जो दिखाता है इनकी फौलादी इच्छा शक्ति और हर हाल में जीत हासिल करने का जुनून।
गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान भी नजर आएगा। क्या है इसकी खासियत और ये किस काम आता है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। इस साल 26 जनवरी के परेड में आपको एक विशाल विमान दिखेगा, C-130J हरकुलस। इसे इसी हफ्ते रात को करगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतारा गया। पाकिस्तान से लगे नियंत्रण रेखा पर 10,500 फुट की ऊंचाई पर इसे लैंड कराया गया। ये रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। विमान पर गरुड़ कमांडो सवार थे। ये विमान चीन से लगे दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर भी उतारा जा चुका है। दरअसल ये बहुत ही छोटे रनवे पर उतर सकता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी इमरजेंसी में लैंड कर सकता है, खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान है। ये स्पेशल ऑपरेशंस में काम आता है, सर्च और रेस्क्यू के काम में मददगार होता है। पैराड्रॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तक इससे हो सकती है। इसे बड़ी संख्या में सैनिकों को तेजी से कहीं पहुंचाया जा सकता है। सैनिकों तक रसद और दूसरा सामान भी पहुंचाया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में 2020 में चीन के साथ तनाव के वक्त इसी विमान से तैनाती हुई थी। इस विमान को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। अमेरिका सहित 20 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। 2011 में यह विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। कई संकटों में ये विमान काम आता है। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को निकालते वक्त ये काम आया। तब इसी विमान से ड्रिल मशीन वहां गई थी। सूडान और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने वक्त भी इस विमान का इस्तेमाल किया गया था। ये 90 लोगों के साथ उड़ान भर सकता है, 64 सैनिकों को हथियार सहित ले जा सकता है। 4 इंजनों वाले विमान की लंबाई करीब 30 मीटर है। इस विमान की ऊंचाई करीब 12 मीटर है। ये 19 टन वजन उठा सकता है, 643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 3,334 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वे दुर्गम इलाकों में अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें। और वायुसेना ने जब भी इसका इस्तेमाल किया है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो चुनौती है, उस पर यह विमान पूरी तरह से खरा उतरा है। और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर रुद्र अपनी ताकत दिखाएगा। ये थल सेना के साथ साथ वायुसेना के भी काम आता है। रुद्र में क्या है खास, जानिए इस खास रिपोर्ट में। साल 26 जनवरी की परेड में ALH मार्क 4 और रुद्र भी दिखेगा। रुद्र यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4। यह भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों के काम आता है। यह देश में निर्मित एक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। ऐसे हेलीकॉप्टर की आवश्यकता करगिल युद्ध के बाद महसूस की गई। इसके पहले हमारी सेना के पास जो रूस के बने अटैक हेलीकॉप्टर थे, वो पहाड़ की ऊंचाइयों पर उड़ नहीं पाते थे। इस अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु ने किया है। उसने अपने पहले से निर्मित ALH मार्क 3 के स्वरूप को बदलकर रुद्र को बनाया है। इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल, गन और रॉकेट लगे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ाते हैं। इसमें 2 इंजन हैं। 52 मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 मीटर है। इसकी अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5.8 टन है। रेंज है तकरीबन 600 किलोमीटर।
यह 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसमें शक्तिशाली शक्ति इंजन लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के रॉकेट और 20 मिलीमीटर के बुर्ज गन लगे हुए हैं। साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से भी यह लैस है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसी भी टैंक को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसका फ्यूल टैंक ऐसा है कि गोली लगने के बाद यह फटेगा नहीं, गोली लगते ही सील हो जाएगा, जिससे किसी भी तरह का आग का हादसा नहीं होगा। ग्लास कॉकपिट के साथ साथ आधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी लगे हैं, जो इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट करने में सक्षम बनाते हैं। इस हेलीकॉप्टर का रिजिड रोटर सिस्टम इसकी मुनोवरबिलिटी की क्षमता को बढ़ाता है। हेलीकॉप्टर में आत्मरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी लगे हैं और थलसेना इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी टैंक ऑपरेशन और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र वाले ऑपरेशन में करती है। वैसे सही मायने में यह मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसके दूसरे वेरिएंट का इस्तेमाल पैसेंजर और सामान को लाने के लिए भी किया जाता है। सेना के तीनों अंगों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसका बखूबी इस्तेमाल कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट में करती है। जाहिर है भरोसा बना हुआ है, तभी इस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को अब अटैक हेलीकॉप्टर में बदल दिया गया है। इसी अटैक हेलीकॉप्टर के बाद HL ने अब एक कंप्लीट अटैक हेलीकॉप्टर LCH हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसे हम प्रचंड के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स ने देश के अलावा दुनिया में भी नाम कमाया है। इसके इतिहास पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। नमस्कार, आज बात उस पलटन की जो करीब 250 साल पुरानी है। शानदार रुबीले मूछे इसकी पहचान है, उफान लेता जोश और जिनके अंदर होता है मौत से खेलने का जज्बा। यह है राजपूताना राइफल्स के जाबाज, जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अपने जोशीले अंदाज में दिखेंगे। इनके योद्धाओं ने हर युद्ध में वीरता के झंडे गाड़े हैं। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। इनका आदर्श वाक्य वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही इस धरती का भोग कर सकता है जो इसकी रक्षा करने में सक्षम है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस रेजिमेंट के जवानों ने फ्रांस, इजिप्ट, इराक, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। दोनों विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के करीब 30,000 जवान शहीद हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट को 37 बैटल ऑनर मिले हैं, जो उस वक्त किसी भी रेजिमेंट की ओर से हासिल किए गए सबसे ज्यादा वीरता के सम्मान हैं। वीरता के लिए 6 को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। भारतीय पलटन में पहला विक्टोरिया क्रॉस भी राजपूताना राइफल्स को ही मिला। आजादी के बाद हुई सारी जंगों में इस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस रेजिमेंट के जवानों ने तो शौर्य का इतिहास ही रच डाला। 1971 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन के हथियार डिपो पर कब्जा करके युद्ध का पासा ही पलट दिया। वहीं 1999 के करगिल जंग में पहली जीत का सेहरा राजपूताना राइफल्स के सर बंधा। अपनी वीरता से इन्होंने तोलोलुंग की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया और वहां तिरंगा फहराया। इनमें ज्यादातर जवान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से आते हैं, जिनके लिए इज्जत और इकबाल बहुत मायने रखता है। इनका रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में है, जहां इनको लड़ने के तमाम गुर सिखाए जाते हैं। इनमें राजपूत, जाट, अहिर और मुस्लिम लोग होते हैं। यहीं से वो देशभक्त और पेशेवर सेना का हिस्सा बनते हैं। इनका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। जब इस युद्ध घोष के साथ राजपूताना राइफल्स के जवान आगे बढ़ते हैं, तो बड़े बड़े दुश्मन हिम्मत हार जाते हैं। सेना के दूसरे क्षेत्रों में भी राजपूताना राइफल्स ने कई उपलब्धियों का सेहरा दिया है। नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपिक चैंपियन राजपूताना राइफल्स का ही हिस्सा है। दा, 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 दा,
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।